इसको मतलब कि फ्रिज में रख दो, अगर आप बाहर नहीं रखना चाहते तो फ्रिज में भी रख सकते हो इसको, तो बहुत लंबे टाइम तक चल सकता है ये। सो ये अच्छे तरीके से बना हो तो कभी ख़राब नहीं होता है। इसको धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं होती है, इसको बस ऐसे ही आप अंदर ही रख सकते हो इसको, और टाइट कर देना है जार का ढक्कन जो है, इसको मतलब कि साफ़ करके जार में डालना है। इसको मतलब कि गर्म पानी से निकाल के धूप में रख के इसको सुखा के फिर इसको अचार को डालना है, ठंडा करके अचार को डालना है। हेलो एवरीवन, मैं स्नेह किचन पंजाबी तड़का। आज हम आंवले का अचार बनाएंगे जो कि ये खाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें विटामिन सी होता है, आयरन होता है और मिनरल तो बहुत ही ज़्यादा इसमें मिनरल होते हैं। तो इसको हमें जिस भी हाल में मिले इसको खाना चाहिए। इसको जैसे हमें एक कच्चा भी हम इसको खा सकते हैं नमक लगा के, और अचार बन जाए तो वो भी अच्छा है। कोई कैंडी या मुरब्बा किसी भी पोर्शन में इसको खाना चाहिए इसको डेली। तो ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इससे हमें भूख भी ज़्यादा लगती है और ये पाचन शक्ति भी बहुत बढ़ाता है। सो इसको हम पहले बॉयल कर लेते हैं। इसके लिए हमें स्टील का बर्तन ही लेना चाहिए। इसमें ये फ्राई पैन में इसको बॉयल कर लेते हैं। एक गिलास पानी डाल देते हैं, जितना ये इसमें डिप हो जाए उतने पानी डाल लेंगे। ये देखिए एक गिलास में ये आ गया है। इसमें मैं बॉईल करने के लिए इसको रख देती हूँ। जितनी देर ये गल जाएंगे उतनी देर तक ये रखेंगे, 10 मिनट तक चाहे या 8-10 मिनट तक इसको गैस में रख देते हैं। ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी मैं और डाल देती हूँ ताकि अच्छी तरह डिप हो जाए। इसको हम 10 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए रख देते हैं ढक के। आंवले चेक कर लेते हैं कि गल गए, देख लेते हैं। ये देखिए आंवले मरे गल गए हैं। ये देखिए गल गए हैं। ये गैस हम बंद करते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। ये देखिए इसके अलग अलग पीसीस होने शुरू हो गए, ये गल गए। ये देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम, कि ताकि अच्छी तरह गल जाए और इसमें भी नमक अब्जॉर्ब हो जाए। इसको उतार लेते हैं, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए पानी से निकाल लेते हैं इसको। ये देखिए कितनी अच्छी तरह गल गया ये। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब इसके हम पीसेस कर लेंगे। ये जो पानी बॉयल पानी बचा है इसको हम बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा हमने बालों को कंडीशन टाइप करेगा, इतना सॉफ्ट एंड स्मूथ, इसमें सिल्की बाल हो जाते हैं। इसे अब इसका पानी यूज़ करें, बहुत हेल्पफुल होता है ये। ये देखिए सीड्स हमने इसके निकाल लिए गिड़के और ये हमने पीसेस इसके निकाल लिए। अब इसको हम फ्राई करते हैं। हम कढ़ाई गैस में रख देते हैं और इसके गैस पे कढ़ाई लग रही है, इसमें हम तेल डालेंगे। एक कटोरी हम तेल डालेंगे। जितना तेल इसमें अच्छा डला होएगा उतने ये देर तक ये अचार अच्छा रहेगा। तेल को हम अच्छी तरह गर्म कर लेते हैं। ये तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया है, धुआं छोड़ रहा है। गैस हम बंद कर देते हैं, इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर हम सारे मसाले डालेंगे। देखिए तेल हमारा ठंडा हो गया है। पहले सबसे पहले हम इसमें हींग डालेंगे, फिर इसमें हम मेथी दाना डालेंगे। 2 टीस्पून हमने मेथी दाना लिया है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और 1 टीस्पून हमने अजवाइन लिया है, अभी इसमें डाल देते हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। इसमें हम आंवले डाल देते हैं, उबले हुए ऑयल दिए हुए।
आपने पहले इसको अच्छी तरह गर्म या कोसे पानी से अच्छी तरह धो लेना आंवलों को, फिर बॉयल करने के लिए रखना है, क्योंकि आजकल तो वैसे भी हम साफ करके ही चीज़ अच्छी तरह धो के लेते हैं, ताकि कोई कीटाणु ना उसमें हो। कोरोना वायरस की वजह से तो वैसे भी और कॉन्शियस होना चाहिए हमें। अब इसमें हम 4 टीस्पून हम सॉल्ट डाल देते हैं, 4 टीस्पून है ये। टू टीस्पून हमने हल्दी डालनी है, 2 टीस्पून हमने ये सौंफ पाउडर डालना है, एनर्जी पाउडर, और 1 टीस्पून हमने ये धनिया पाउडर डालना है। मिर्च जो है, रेड चिली जो है, मैं अपने अकॉर्डिंग डालूँगी। आपने अगर तीखा ज़्यादा खाते हो तो आप डाल सकते हो, मैं तो जस्ट थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डालती हूँ, मैं इतनी रेड चिली यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आप चाहो तो ग्रीन चिली भी डाल सकते हो इसमें, इसका भी टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। मैं तो ग्रीन चिली ज़्यादा अच्छी डालना पसंद करती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें डाल रही हूँ, ये मैंने 4-5 ग्रीन चिली ली है, इसमें डाल दी। मैं तो अचार आज बनाने लगी थी, मैंने कहा चलो आपसे भी आज शेयर कर लेते हैं ये, तो मैंने ये बड़े वाले वो लेती हूँ, आंवले बड़े वाले लेती हूँ, इससे भी अचार बड़ा अच्छा बनता है। इससे भी बन जाता है, लेकिन वो बड़े वाले का ज़्यादा अच्छे बनते हैं। इसमें डाल देते हैं, देखिए चार हमारा बन के रेडी हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा हो लें तो फिर हम डालते हैं बाउल में। अब जब भी चार डालो जार में, इसको पहले गर्म पानी से धो लो अच्छी तरह, फिर इसको धूप में धोने के लिए डालो। और ये मैंने 4 टीस्पून मैंने ये लिए सरसों, पीली सरसों, ये भी इसमें डाल देती हूँ, इससे भी खट्टा मीठा टेस्ट अच्छा लगता है इसका। ये पीली सरसों होती है, जैसे वो मस्टर्ड सीड्स होते हैं ना ब्लैक वाले, ये पीली सरसों हैं। इसमें हम 1 टीस्पून शुगर भी डाल देंगे, मुझे इसमें खट्टा मीठा टेस्ट अच्छा लगता है, इससे चार ख़राब भी नहीं होता। मैं हर एक चार में डालती हूँ चीनी, 1 टीस्पून मैंने शुगर डाली है, आप भी डाल सकते हैं और इसका टेस्ट बढ़ाना है। तो देखिए चार का कलर कितना अच्छा है, हमारा बन के रेडी हो गया है। और आप भी बनाएं और खाएं और मेरे साथ शेयर करें कि आपको ये चार कैसे लगा। बहुत ही जमी चार ये बना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते रह करें, मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगती है। थैंक यू सो मच गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। कांच के जार में उन्हें डाल लिया है, इसको एयर टाइट करके बंद कर देना, इसको 6 महीने तक इसको खा सकते हो आप ये चार को। ये देखो कितना अच्छा बना है, कलर इसका कितना अच्छा आया है।